हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज SQL डाटा टाइप्स। SQL में डाटा टाइप्स क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज SQL डेटा टाइप्स। SQL डेटा टाइप्स है क्या। SQL डेटा टाइप्स डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ टेबल कॉलम। टेबल के पर्टिकुलर कॉलम में हम किस टाइप्स का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड SQL डेटा टाइप्स। जैसे एक टेबल में कई सारे कॉलम्स हैं, नेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, तो नेम के कॉलम में हम किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, वेयर कर डेटा स्टोर करना चाहते हैं या किस टाइप का चाहते हैं, तो उसे हम लोग जो है SQL डेटा टाइप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट अ कॉलम टू स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यूज, अगर सिर्फ एक कॉलम में इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, देन वी कैन डिफाइन इट्स डेटा टाइप एज इंट। हम लोग इंट डिफाइन करेंगे डेटा टाइप को, SQL के कॉलम को। तो अ डेटा टाइप इज एन एट्रीब्यूट दैट कैन स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन द ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। एक ऑब्जेक्ट किस टाइप का डेटा को स्टोर कर सकता है, किस टाइप का डेटा को स्टोर करेगा, उसे हम लोग SQL डेटा टाइप कहते हैं। इंटीजर डेटा टाइप हो सकता है, कैरेक्टर डेटा टाइप हो सकता है, मॉनेटरी डेटा टाइप हो सकता है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप हो सकता है, बाइनरी स्ट्रिंग्स हो सकता है एंड सो ऑन। SQL में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। When we are creating a table, at that time we can decide what type of data that will be stored inside each column. जब हम लोग SQL के टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम हम लोगों को सोचना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा को हम इस कॉलम में स्टोर करके रखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग जो है SQL के कॉलम का डेटा टाइप्स को जो है डिसाइड करते हैं। डेटा टाइप्स आर मेनली कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स फॉर एवरी डेटाबेस। प्रत्येक डेटाबेस जो है उसके लिए मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ही डेटा टाइप होते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हम लोग क्या क्या स्टोर करके रखते हैं, इंटीजर वैल्यू इंट, टीनी इंट, बिग इंट, फ्लोट, रियल। डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स में हम लोग डेट को स्टोर करते हैं, टाइम को स्टोर कर सकते हैं, डेट एंड टाइम बोथ को स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स सच एज कैर, वेयर कैर, टेक्स्ट इटीसी। सम मोर डेटा टाइप्स आर एज फॉलोज। कुछ और डेटा टाइप्स हैं SQL में जिसको हम लोग यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल एन कैर, एन वेयर कैर, एन टेक्स्ट इटीसी। बाइनरी डेटा टाइप्स सच एज बाइनरी, वेयर बाइनरी इटीसी एंड मिसलिनियस डेटा टाइप्स क्लोब, बी क्लोब, XML, कर्सर, टेबल इटीसी। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में बिट में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, जीरो या वन। सिर्फ हम लोग दो वैल्यू जो है बिट में स्टोर कर सकते हैं, या तो जीरो या तो वन। टीनी इंटीजर में हम लोग 0 to 255, स्मॉल इंट में हम लोग माइनस
32,768 to 32,767 डेटा टाइप्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये एक रेंज है, ये रेंज हम लोग जो है ये प्री डिफाइन होता है एसक्यूएल में कि हम लोग किस रेंज से किस रेंज तक के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं एसक्यूएल के डेटा टाइप्स में, कितने लेंथ तक का हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से इंटीजर में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लॉन्ग रेंज दिया हुआ है -21474832648 से 21474833647 तक। इसी तरीके से बिग इंट में और ज़्यादा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल में -10^38+1 एंड 10^38-1 तक स्टोर करके रख सकते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में -10^38+1 एंड 10^38-1, फ्लोट में -1.79E+308 टू 1.79E+308 तक स्टोर करके रख सकते हैं। रियल में -3.40E+38 टू 3.40E+38 तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरीके से SQL डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स में हम लोग डेट के लिए जो है स्टोर्स डेट इन अ फॉर्मेट YYY-MM-DD, तो हम लोग ईयर मंथ एंड डेट में ही डेट के डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। टाइम्स में स्टोर्स टाइम इन अ फॉर्मेट HH hours:MI minutes:SS seconds। टाइम में हम लोग आवर मिनट एंड सेकेंड के डेटा टाइप को स्टोर करके रखते हैं टाइम में। डेट टाइम में हम लोग डेट एंड टाइम बोथ डेटा टाइप्स को स्टोर करके रखते हैं, जैसे ईयर मंथ एंड डेट प्लस आवर मिनट एंड सेकेंड। टाइम स्टैम्प में उसी तरीके से स्टोर्स नंबर ऑफ सेकेंड पास्ट सिंस द यूनिक्स इको, मतलब कितना टाइम हमारे पास पास हुआ है, तो उस टाइप से हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ईयर में हम लोग ओनली 4-digit ईयर का डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। SQL कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, कैरेक्टर और स्ट्रिंग में हम लोग किस टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं, कैर डेटा टाइप यूज करते हैं। कैर डेटा टाइप में क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 8000 कैरेक्टर्स, फिक्स्ड लेंथ होता है कैरेक्टर लेंथ में विथ मैक्सिमम 8000 कैरेक्टर को स्टोर करके रख सकते हैं। सपोज अगर कैरेक्टर में नेम में हम लोग 10 डेटा टाइप को कैर 10 अगर हम लोग डिफाइन किए हैं, तो कैर 10 चाहे हम लोग 2 कैरेक्टर का ही डेटा को क्यों ना स्टोर करें, लेकिन ये कैर 10 जो है स्टेटिक 10 लेंथ ही जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एसक्यूएल के डेटाबेस में। भेर केयर में वेरिएबल लेंथ स्टोर विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 8000 कैरेक्टर्स, वेरिएबल लेंथ मीन्स अगर हम लोग नेम में भेर केयर 10 स्टोर किए हैं, डेटा टाइप डिफाइन किए हैं, और अगर हम लोग 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर ही जो है इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये 3 कैरेक्टर स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा होता है कि हम लोग जो है मेमोरी जो है मैनेज करने के लिए कम मेमोरी यूज होते हैं। जबकि कैरेक्टर में हमारा जितना हम डिफाइन करते हैं, चाहे हम उस लेंथ का डेटा को स्टोर करें या ना करें, उतना मेमोरी हमारा वेस्ट जाएगा ही जाएगा। वेयर केयर मैक्स में हम लोग मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ डेटा टाइप को स्टोर करके रख सकते हैं।
वेरिएबल लेंथ ऑफ डेटा टाइप। टेक्स्ट में वेरिएबल लेंथ स्टोर विथ मैक्सिमम साइज ऑफ 2 GB डेटा टाइप को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। SQL यूनिकोड कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। एनकेर में फिक्स्ड लेंथ विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 4000 कैरेक्टर। एनवेरकेर में वेरिएबल लेंथ स्टोर विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 4000 कैरेक्टर्स। एनवेरकेर मैक्स में वेरिएबल लेंथ स्टोर विथ प्रोवाइडेड मैक्स कैरेक्टर्स। एंड एन टेक्स्ट में वेरिएबल लेंथ स्टोर विथ मैक्सिमम साइज ऑफ 1 GB डेटा। तो इस तरीके से एनकेर में फिक्स्ड लेंथ ही स्टोर होगा मैक्सिमम 4000 कैरेक्टर तक। एनवेरकेर में वेरिएबल लेंथ स्टोर होगा मैक्सिमम 4000 एंड एनवेरकेर मैक्स में वेरिएबल लेंथ विथ मैक्सिमम कैरेक्टर एंड एन टेक्स्ट में वेरिएबल लेंथ विथ मैक्सिमम 1 GB डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरीके से SQL बाइनरी डेटा टाइप्स में बाइनरी में हम लोग फिक्स्ड लेंथ विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 8000 बाइट्स। भेर बाइनरी में वेरिएबल लेंथ स्टोर विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 8000 बाइट्स। भेर बाइनरी मैक्स में वेरिएबल लेंथ स्टोर विथ प्रोवाइडेड मैक्सिमम बाइट्स। इमेज में वेरिएबल लेंथ स्टोर विथ मैक्सिमम साइज ऑफ 2 GB बाइनरी डेटा। तो इस टाइप से हम लोग जो है SQL बाइनरी डेटा टाइप्स में स्टोर कर सकते हैं। SQL मिसलिनियस डेटा टाइप्स जैसे क्लोब कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड अप टू 2 GB डेटा। देन बी क्लोब फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। XML फॉर स्टोरिंग XML डेटा। JSON फॉर स्टोरिंग JSON डेटा। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसमें हम लोग जो भी कॉलम रखेंगे उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। कॉलम 2 डेटा टाइप, कॉलम 3 डेटा टाइप, डॉट 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 कॉलम एंड डेटा टाइप। तो सपोज अगर हम लोग SQL के टेबल में स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल क्रिएट करते हैं, उस टेबल में आईडी इंटीजर टाइप का डेटा टाइप्स को हम लोग स्टोर कर रहे हैं। नेम वेयर केयर डेटा टाइप को वेयर केयर 20 डेटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं। एज इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ डेट एंड टाइम डेटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं। एड्रेस केयर डेटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं एक टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर डिफाइन करते हैं, सो दैट कि हम किस टाइप का डेटा उस पर्टिकुलर कॉलम में रखना चाहते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द बेटर। मैं इसी को प्रैक्टिकली भी मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग SQL में एक बार चेक करते हैं कि कैसे हम लोग जो है डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं। और आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियोज कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।